बिल्कुल, पिछले बार भी हम लोग ने देखा है कि बबलू चौहान बहुत अच्छे से काम किए हुए हैं। अगर किसी चेयरमैन का सब सारे चेयरमैन का तुलना किया जाए तो उसमें सबका आज भी पब्लिक डोमेन में आप पता कीजिएगा तो बबलू चौहान का नाम सबसे ऊपर आता है। तो उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका चौहान और हम लोग सब मिलकर आगे काम करेंगे। बबलू चौहान भारी समर्थन रहेगा, आप बबलू चौहान भारी मत से विजयी बनेगा, पूरा लेडीज का साथ रहेगा, हर जाति का लोग का साथ। इनमें यही खास बात है कि सबको मान सम्मान देते हैं और सबको इज्जत करते हैं, यही इनका जीतने का है। उसमें सबसे बेहतरीन प्रत्याशी आपकी प्रियंका चौहान है, क्योंकि प्रियंका चौहान का एक जो हिस्ट्री है कि वो बबलू चौहान की पत्नी हैं, पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं नगर परिषद की, और बबलू चौहान रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो जनता को सहजता से उपलब्ध हैं, कोई भी जाके मिल सकता है, अपनी बात कर सकता है, साफ हैं, सुलझे हुए हैं। देखिए ये तो हम लोग का घर है, नज़दीक का घर है, लगाव भी रहा है, पहले से भी लगाव रहा है, नया कोई लगाव नहीं है, सब ये संबंध है, एक दूसरे से संबंध है, पुराना हम लोग का संबंध है। समर्थन मिल रहा है तो हम इस जनता के वार्ड की सिवान नगरवासियों को आभार प्रकट कर रहे हैं कि भाई हम लोग का चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर है, 6 नंबर पर है, और अपना मत देकर हमको विजयी बनाइए ताकि आपका शहर का काम जो आधा अधूरा बचा उसको पूरा करेंगे, जो भी आपका काम है हम करेंगे। एक युवा की टीम, देखिए युवा अभी तो आपको पता होगा, अभी
जनवरी आने वाला है, मतदाता दिवस आने वाला है, अभी सबसे ज़्यादा युवा लोग का ही वोट जुड़ा हुआ है, युवा लोग का लगाव हमसे है, शुरू से रहा है, युवा लोग का काम भी करते हैं, उन लोग को भरोसा हम पे है कि बबलू भाई की वाइफ जीतती हैं तो काम करेंगे। रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है ना, सभी जाति का लोग नहीं लड़ पाएगा, लिमिट लोग लड़ रहा है। तो हमारा शुरू से मुद्दा रहा, ये नहीं है कि हम ये झूठ बोल रहे चाहे नया बात बोल रहे हैं, हम पहले भी चेयरमैन रहे हैं तो सभी वर्ग का लोग का काम किए हैं, जो आता था उसका काम किए हैं, उसमें कोई भेदभाव की बात नहीं, आगे भी काम करें निश्चित रूप से, यही मुद्दा ही है, विकास ही मुद्दा है। मतदाता मालिक है, मतदाता कोई नहीं भटका सकता है, वो जो चाहेगी वही होगा, जो मतदाता चाहेगी वही होगा, भटकाने से कुछ नहीं होगा। वो सब जो कहने वाला लोग है वो गलत कह रहा है, किनको मत देना है वो जनता जानती है। बबलू चौहान भारी समर्थन रहेगा, बबलू चौहान भारी मत से विजयी बनेगा, पूरे युवाओं का साथ, पूरा युवाओं का साथ रहेगा, पूरा लेडीज का साथ रहेगा, हर जाति का लोग का साथ, साथ सब पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा ब्रह्मस्थान मिलेगा इनको, हम इनके साथ है। इनमें यही खास बात है कि सबको मान सम्मान देते हैं और सबको इज्जत करते हैं, यही इनका जीतने का कारण है। महिला का बहुत अच्छा समर्थन रहे, पहले तो हम आपको चैलेंज के स्वागत करते हैं, हम लोग महिला एकदम एकजुट होकर प्रियंका चौहान को जिता के भेजेंगे। हम लोग लग रहा है कि प्रियंका चौहान काम करेगी, हम ही लोग जैसे हम लोग मालिक जैसे लड़ रहे हैं उसी तरह उसका हौसला हम लोग देख रहे हैं, महिला का एकदम समर्थन रहेगा प्रियंका चौहान के लिए, लड़ेगी, अरे लड़ेगी तब तक हम लोग समर्थन कर रहे हैं, जरूर लड़ेगी। ऐसा तो बात मानिए कि बबलू चौहान जी जाति पाति नहीं देखते हैं, हर गरीब को सहायता करते हैं, काम करते हैं। पहले तो पूरी 45 वार्ड की जनता को मेरा प्रणाम, ठीक है, भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, हाँ, इसमें विकास करना है, ठीक है, सिवान में बदलाव लाना है, विकास करना है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मेरा प्रेशर कुकर छाप है 6 नंबर पे, हम 45 वार्ड की जनता से यही अपील करेंगे कि हमें वोट दें, भारी बहुमत से जिताए कि विकास हो, विकास ही हमारा मुद्दा है। समस्या बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम का है, सबसे जो जाम लगने का समस्या है, ये सब मेन मूलभूत समस्या है जो सिवान को अभी प्रभावित कर रहा है। पानी बिल्कुल, पिछले बार भी हम लोग ने देखा है कि बबलू चौहान बहुत अच्छे से काम किए हुए हैं, अगर किसी चेयरमैन का सब सारे चेयरमैन का तुलना किया जाए तो उसमें सबका आज भी पब्लिक डोमेन में आप पता कीजिएगा तो बबलू चौहान का नाम सबसे ऊपर आता है। तो उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका चौहान और हम लोग सब मिलकर आगे काम करेंगे। वो लोग पैसा, जो पैसा लेगा उसको वोट नहीं देगा, आज का वो स्थिति है, जो पैसा बांटेगा उसको वोट नहीं मिलने जा रहा है, जनता पैसा पे नहीं बिकेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इस भूल में है वो उनको 30 तारीख को वो भूल उनका ख़त्म हो जाएगा, जनता पैसा पर नहीं बिकने वाली है। इसमें प्रियंका चौहान है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जनता के सामने, ठीक ना, क्योंकि देखिए सारे लोग 2 साल से लगभग नगर पालिका के चुनाव का तैयारी चल रहा है और सारे लोगों ने इसमें तरह तरह के कैंडिडेट को देख भी लिया, अभी तो आपका अति पिछड़ा के लिए मैंने ये हो गया है, तो जो प्रत्याशी हैं उसी में ना आपको सेलेक्ट करना है, उसमें सबसे बेहतरीन प्रत्याशी आपकी प्रियंका चौहान है, क्योंकि प्रियंका चौहान का एक जो हिस्ट्री है कि वो बबलू चौहान की पत्नी हैं, पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं नगर परिषद की, और बबलू चौहान रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो जनता को सहजता से उपलब्ध हैं, कोई भी जाके मिल सकता है, अपनी बात कर सकता है, साफ हैं, सुलझे हुए हैं।